मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बच्चों को न्यूमोनिया यानी कि दिमाग के बुखार से बचाने के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन देने की शुरुआत करवाई है, जिसके तहत आज शहर के समा अर्बन हेल्थ सेंटर से कई बच्चों ने इस वैक्सीन का डोज लिया। गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से राज्य की जनता के लिए कई अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं। उसी के तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक और अच्छा फैसला बच्चों के लिए लिया है, जिसके तहत बच्चों में न्यूमोनिया के तहत आने वाले दिमाग के बुखार से उन्हें सुरक्षा दिलवाने के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन देने की शुरुआत करवाई है। राज्य भर में आज से वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसके तहत शहर के समा अर्बन हेल्थ सेंटर में भी बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। उसी के तहत आज कई बच्चों ने PCV वैक्सीन का डोज लिया है। आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कई अस्पताल, आरोग्य केंद्र, अर्बन हेल्थ सेंटर पर से निशुल्क वैक्सीन बच्चों को मुहैया करवाई जाएगी। आज समा अर्बन हेल्थ सेंटर खाते PCV वैक्सीन नू लॉन्चिंग राखवामां आव्युं छे। समग्र गुजरात में आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी द्वारा अने मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेलना एक सुचारू अभिगम थी बधा बाळकों माटे PCV वैक्सीनू અહીંયા લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે। PCV વેક્સિન એટલે ન્યુમોકોકલ કોન્જ્યુગેટ વેક્સિન, જેનાથી દર 6-1 બાળકનું મૃત્યુ ન્યુમોનિયાથી થાય છે। દર વર્ષે 9,20,000 કરતાં વધુ બાળકો ન્યુમોનિયાથી મૃત્યુ પામે છે, એટલે કે રોજના 2500 બાળકો, દર કલાકે 100 બાળકનું મૃત્યુ અને દર 35 સેકન્ડે એક બાળકનું મૃત્યુ ન્યુમોનિયાથી થાય છે। એમના માટે જે વેક્સિન પ્રાઇવેટમાં 1,000-4,000 રૂપિયાની આશરે કિંમતથી મળે છે, એ વેક્સિનના 4 ડોઝ સરકારશ્રી દ્વારા બિલકુલ નિઃશુલ્ક બધા જ બાળકોને, જેમાં 1.5 વર્ષે પ્રથમ ડોઝ આવશે, 3.5 વર્ષે 1.5 મહિને પ્રથમ ડોઝ આવશે, 3.5 મહિને બીજો ડોઝ